यूपी के सुल्तानपुर से खबर है। यूपी के सुल्तानपुर में बताया जा रहा है उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरेआम एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई। अब पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पुलिस की टीम का ये भी कहना है कि बहुत जल्द वो हत्यारे को गिरफ्तार कर लेंगे। यूपी के सुल्तानपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दरियापुर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना मिलते ही भारी तादाद में पुलिस भी मौके पर पहुंचकर छानबीन करने लगी। जिस प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई है उसका नाम विजय नारायण सिंह है। बताया जा रहा है कि बार में विजय कुछ लोगों के साथ पार्टी कर रहा था, उसी में किसी से उसकी बहस हो गई, जिसके बाद आरोपी शख्स वहां से चला गया और कुछ देर बाद वापस आकर विजय को गोलियों से भून दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई तो वहीं एक शख्स घायल हो गया। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ में थे। दीपक मिश्रा जी ने फोन किया अजय सिंह सियावट को, अजय सिंह सियावट आए, उसके बाद उन्होंने कुछ बदतमीजी बात की, भैया ने उनको हटा दिया कि जाइए आप यहाँ से। उसके बाद वो आए, भैया को ताबड़तोड़ गोली मार दिया, भैया को और अनुज शर्मा जी को। हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें गठित की हैं। पुलिस के माने तो हत्या का खुलासा जल्द कर दिया जाएगा। 6 पुलिस टीम गठित कर दी गई है, लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस को कुछ इम्पोर्टेंट फुटेजेस मिले हैं, उसके साथ साथ पुलिस 2 व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि कहीं हत्या किसी रंजिश में तो नहीं की गई है, क्योंकि मृतक विजय नारायण सिंह पर भी हत्या का एक मामला दर्ज था जिसमें वो जमानत पर बाहर था।